खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के हनमना से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने नवरात्रि पर्व पर नगर में पथ संचलन निकाला, जो कि सप्रभात शाखा सरस्वती शिशु मंदिर परिसर से चलकर सीधी रोड चकरा टोला मेन रोड होते हुए स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की तपस्थली स्थित रामलीला ग्राउंड पहुंचकर विभाग प्रचारक सुरेंद्र सिंह के बौद्धिक उद्बोधन, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्थापना काल से ही राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगा रहा। 1938 से 1975, 1992 के आपातकाल में भी इसके स्वयंसेवक मां भारती की सेवा में जुटे रहे। कार्यक्रम में विभाग संघचालक डॉक्टर प्रताप द्विवेदी, जिला संघचालक रामाधार द्विवेदी, खंड संघचालक मिश्रा प्रमोद गुप्ता, पंकज श्रीवास्तव, अमरजीत बहादुर सिंह आदि की उपस्थिति जहां विशेष उल्लेखनीय रही, वहीं पथ संचलन में आगे आगे भगवा ध्वज लिए हुए विंध्याचल बीज भंडार के हनुमना ब्लॉक अध्यक्ष विष्णुदास गुप्ता चल रहे थे। वहीं ध्वज रक्षा में तलवार लिए हुए प्रार्थना प्रमुख चंद केतु गुप्ता, माधव सायम शाखा के मुख्य शिक्षक विनय कुमार चल रहे थे। पीछे पीछे पूर्ण गड़वेशधारी सदंड स्वयं सेवक चल रहे थे। संचलन गीत अनूप कुमार गुप्ता ने किया, वहीं एकल गीत का गायन भी अनूप कुमार गुप्त ने ही किया। कार्यक्रम के मुख्य शिक्षक नगर कार्यवाह सियाराम कचेर थे। प्रतियोगिता कितनी होगी यह समझने का विषय, धीरे धीरे संघ ने अनेकों समस्याओं का सामना करते हुए, चाहे वो 1948 हो, 1975 हो, 1992 हो, इस तीनों समयों पर भी एक चुनौती संगठन के पास आई, उसके बाद भी चुनौतियों का सामना करते हुए और आज समाज की जैसी अपेक्षा है, उस अपेक्षा के लिए खरा उतरता है। हम देखते हैं इन परिस्थितियों के साथ जब कभी देश को आवश्यकता पड़ी, संघ समाज का के लिए, समाज के निर्माण में संघ की भूमिका और देश के निर्माण में संघ की भूमिका क्या होगी इसके लिए, इसलिए जब देश को आवश्यकता पड़ी तब भी, चाहे वो 1947 का विषय हो, चाहे 1962 का विषय हो, चाहे 1965 का विषय हो, उस समय भी संघ जैसी जैसे देश की आवश्यकता पड़ी, संगठनों के कार्यकर्ताओं ने तत्काल 1962 अर्थात भारत चीन का युद्ध चल रहा है, सेनाएं भारत की चीन की अर्थात भारत की सीमाओं पर मुकाबला कर रही हैं। इस देश के नागरिकों को आज भी न आए, यह देश की एक भी भारत माँ का के पुत्रों के लिए भी किसी भी प्रकार की समस्या न आए, उस के लिए देश की सेनाएं तैनात हैं, इकट्ठी हुई है अर्थात पाकिस्तान की सीमा पर, वहां उस बाउंड्री वॉल के स्वयंसेवक अपनी जान को बाजू हथेली पर रख करके और बाउंड्री पार करते हैं, वहां से रसद लेके आते हैं, वो रसद लेकर के आकर के वह सेना को प्रदान करते हैं, उनमें से एक स्वयंसेवक शहीद भी होता है। और तो और दिल्ली की ऐसी ट्रैफिक व्यवस्था, 28 दिन तक ट्रैफिक व्यवस्था संभालने का कार्य वह स्वयंसेवक करते हैं।